महाराष्ट्र के बीड में गैरकानूनी गर्भपात के मामले में फंसे एक फरार डॉक्टर के बेटे की एनसीपी के नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन एनसीपी कह रही है कि इस शख्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या है इन तस्वीरों का सच? तस्वीरों में दिख रहे हैं वेंकटेश मुंडे, इनकी इतनी ही पहचान नहीं है। वेंकटेश डॉक्टर सुदाम मुंडे के पुत्र हैं और डॉक्टर मुंडे पिछले कई महीनों से पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे। मुंडे पर भीड़ में गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने का आरोप है। इस गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई थी। जांच में पता चला कि डॉक्टर मुंडे गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण का काम भी करते थे। अब सवाल ये उठता है कि जिसका बेटा एनसीपी के मुखिया के साथ दिखता हो और एनसीपी के एक विधायक के साथ, तो क्या यही वजह तो नहीं डॉक्टर मुंडे को बचाने की? Which has come on the roads and agitated against all this female infanticide in Bid is NCP, Rashtrawadi Congress Party. So all these allegations which the gentleman is doing are completely baseless. चलिए सुप्रिया जी, पल भर के लिए मान भी लिया जाए कि वेंकटेश और राज्य में गृह मंत्रालय संभालने वाले एनसीपी का कोई सरोकार नहीं, तो आप इतना भी बता दीजिए कि गृह मंत्रालय आपके पार्टी के पास होने के बावजूद डॉक्टर मुंडे अब तक गिरफ्त से दूर क्यों हैं? मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी और प्रसाद काथे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.